वेलकम गाइस टू अनदर ब्लॉग सचिन गर्ग ब्लॉग्स। और अभी मैं आया हूँ राजस्थान के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, आप गैस कर सकते हो कौन सी ये जगह है। अगर नहीं है तो बता दूँ, ये है भानगढ़ फोर्ट, जो कि राजस्थान के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये पहले ऐसा कहते हैं मार्केट थी पूरी, जितने भी हैं अभी काफ़ी सेफ है। और पूरा मतलब इस किले का जो भी इंटरनल जो भी था, पूरा मार्केट का फेस पूरा ये था। और ये हमारा क्रिश लग जाएगी चोटी दराजा। और काफ़ी शायद लग रहा है भीड़ कुछ ज़्यादा है, स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको पूरा किला और एक एक चीज़ बताता हूँ कैसे क्या है इसके अंदर। तो वैसे देख रहे हो कितने ब्यूटीफुल जगह आते हैं, बिल्कुल मतलब पहाड़ों के बीच में बना रखा है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। और अंदर जाके देखोगे तो और भी ज़बरदस्त व्यू है इसका। स्टार्टिंग में एक तरीके से बिल्कुल गार्डन बना रखा है बहुत बड़ा। तो गाइस ये है इसका भानगढ़ का मेन एंट्रेंस गैस गेट। और देख सकते हो मतलब आर्किटेक्चर इतना ब्यूटीफुल है इसका। और स्टार्टिंग में एक मंदिर है, और टोटल मंदिर इस किले में चार हैं, एक यहाँ पे है, एक उस तरफ है और दो इस तरफ है कहीं। और ऐसा कहते हैं कि जितने भी मंदिर हैं सब में नीलम के पत्थर की मूर्तियाँ थी। और आप खुद सोचो कि नीलम का पत्थर कितना महंगा होता है, हम छोटा सा भी मार्केट से लेते हैं कितना महंगा मिलता है। और बाकायदा यहाँ पे मूर्तियाँ थी बड़ी बड़ी। तो अभी मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगा, वो जगह भी दिखाऊंगा। बट कहते हैं कि अभी ये मूर्तियाँ चोरी हो चुकी हैं, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे हमला किया था उसके बाद वो गायब हो गई थी, वो अभी तक नहीं मिली हैं। तो ऑब्वियस बात आपको पता है कि इतने चोरियाँ हुई हैं तो ऑब्वियस बात है कहाँ गई होंगी। तो गाइस अभी एक मंदिर दिखाता हूँ आपको, ये इसकी स्टेज है और इतना पुराना है, मतलब 1500 कुछ आसपास का है ये मंदिर। और मतलब किला भी उसी टाइम का है, तो आप देख सकते हो ये मतलब इतना अमेज है, इतना बढ़िया आर्किटेक्चर है यहाँ का। और इतनी फाइन जगह पे बनाया हुआ है ना, इसकी नेचुरल ब्यूटी। और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है ये महल, आप देख सकते हो कि सामने है। एक्चुअली क्या यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन कुछ है तो थोड़ा सा सांस फूल रहे हैं ऐसा लग रहा है। आप देख सकते हो तीन चार पहाड़ आपको दिख रहे होंगे और सामने महल दिख रहा है, वहाँ भी चलेंगे पर थोड़ी देर में चलेंगे। पहले चलते हैं इस मंदिर में, ये आपको मंदिर दिखाता हूँ मैं। गाइस मंदिर है तो मंदिर में जाएंगे तो शूज़ उतार के ही जाएंगे, पुराना हो नया हो है तो मंदिर ही, तो रेस्पेक्ट द थिंग्स। और आप ये देख सकते हो कितना पुराना आर्किटेक्चर है, ये इसका रूफ का। और सीरियसली गाइस ऐसी आर्किटेक्चर ने कोई नहीं कर सकता आज के टाइम में, मतलब मशीन भी नहीं कर सकती जो इन लोगों ने हाथ से किया हुआ है। और ये इसका मंदिर गर्भ है, ये देख रहे हो ब्लैक पत्थर की लग रही है और तो काफ़ी वाइट हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक पत्थर दिख रहा है। और ये इसका अंदर गर्भ है, और जो कि सामने वाला एरिया है वहाँ पे मूर्तियाँ होती थी नीलम के पत्थर की, अब नहीं है। तो गाइस मोस्ट ऑफ मंदिर जो भी हैं सारे इसी बेस में हैं। अभी हम चले हैं किले के अंदर और आपको वापस आके बाकी मंदिर भी दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं हम किले के अंदर, तो करते हैं किले को एक्सप्लोर। गाइस हम जा रहे हैं किले के अंदर और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, मतलब अगर एक्चुअल इमेजिन करो उस टाइम पे कितना बढ़िया रहा होगा ये, कितना अच्छा इसका बेस रहा होगा। और कहते हैं कि 7 स्टोरी था और अभी अप्रॉक्स 3 स्टोरी के आसपास रह गया, क्योंकि वही है मुगल्स ने बहुत कुछ किया और काफ़ी टाइम भी लगा तो वैसे भी टूट गया। और ये इसका जो किले का बिल्कुल मेन एक्चुअल एंट्रेंस होता है वो है ये। गाइस देख रहे हो फोर्ट
किला कितना अच्छा लग रहा है। और यार मतलब देख के वो लग रहा है कि मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि यार कि कुछ अपना सापन है यहाँ पे, कुछ ऐसा है कि आप नोन हो इस चीज़ से बहुत पहले से। और क्या है क्या है नहीं है, मतलब एक चीज़ अट्रैक्ट कर रही है कि आप कोई पुराने नहीं हो, यहाँ पहले थे आप, और मतलब एक अलग सा अट्रैक्शन है यहाँ पे आने के बाद। बहुत से यूट्यूबर्स ने ना एक्सप्लोर किया इस किले को और उन्होंने भी बोला है कि यार है कुछ यहाँ पे। एक मैं यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा, उसने यहाँ पे अपने गोप्रोज और कैमराज इंस्टॉल किए थे, तो उसने भी अपनी वीडियो में बताया था कि हाँ यार कुछ है, कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है कि यार बहुत लंबी चढ़ाई है तो सांस थोड़े फूल रहे हैं, इग्नोर करना इस चीज़ को कि कुछ ना कुछ चीज़ है यहाँ पे। और आप भी आओगे तो आप देखोगे यार कुछ ऐसी चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है कि कुछ है इस किले में, कोई अपनापन है कुछ है। मैं एक बार जब एंट्रेंस किया था अभी इस किले में तो मुझे भी लगा यार ऐसा क्या है कि मतलब इतनी अच्छी चीज़, और भी फोर्ट्स बहुत सारे देखे हैं बट ऐसा इंट्रैक्शन या ऐसी, कभी कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ पे मतलब दिन जैसे छिपता है, 6-7 बजते हैं तो यहाँ पे किसी को रुकने देते, जो भी यहाँ पे सारे गार्ड्स हैं तो सबको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वही है कि जैसे निधि में वन में है वृंदावन में कि वहाँ पे अलाउड नहीं है 6 बजे के दिन छिपने के बाद, वैसे यहाँ पे अलाउड नहीं है कि अगर यहाँ पे दिन छिपता है तो सबको बाहर निकाल देते हैं। और कुछ यूट्यूबर्स हैं जिसने ऐसा किया है यहाँ पे रुक के अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए बहुत कुछ किया है, कैमराज इंस्टॉल किए हैं देखने के लिए यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं है, तो कुछों को दिखा भी और कुछों को नहीं भी दिखा, तो ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एक्चुअल भी है। ये देख रहे हो गाइस, ये अंदर का स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि यहाँ पे पहले क्या था, बट अगर आप बायो पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या था। बट जो भी है अब तो सारा कवर कर रखा है, और जो ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे जाना अलाउड नहीं है वो सब कवर्ड है क्योंकि पब्लिक है मानती नहीं है, सो दे हैव टू डू दैट। तो गाइस ये देख रहे हो ये 6th or 7th फ्लोर के अराउंड है शायद, क्योंकि ऊपर भी काफ़ी टूटा हुआ है। और यहाँ से ये इसका फ्रंट व्यू, जैसे मैंने बताया था फ्रंट व्यू इतना ज़बरदस्त है ना, मतलब आज के टाइम पे इतना अच्छा था, ये सोचा उस टाइम पे राजा महाराजा जो लोग थे वे जिन्होंने फोर्ट बनवाया माधव सिंह जी ने, तो उस टाइम पे कितना अच्छा होगा। और जैसे मैं बताया इस किले के अंदर 4 मंदिर हैं, तो यहाँ से मेरे को एक्चुअल विजिबल हो रहे हैं, एक यहाँ पे है एक इस तरफ है, वो 2 वहाँ पे हैं सामने, तो बहुत दूर हैं, कोई नहीं चलेंगे वहाँ भी देखेंगे। और अब जब यहाँ से ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल एक्चुअल 4-5 पहाड़ों के बीच के अंदर बना हुआ है ये, यहाँ पे हैं और ये है, तो बिल्कुल ही एकदम पीछे है, तो मतलब बहुत सोच समझ के इस किले को बनाया गया है। तो गाइस ये है इसका एक अनदर व्यू, ज़बरदस्त व्यू है बड़ा, बहुत ही ज़्यादा। हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर में और आप देख सकते हो यार कि मतलब व्यू कितना अच्छा है, और अभी थोड़ा सा इतना नहीं है अच्छा, उस टाइम पे कितना अच्छा रहा होगा, कितना ब्यूटीफुल रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त। और बना भी ऐसा रखा है, रास्ता इसका इतना अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी माउंट ट्रैकिंग पे जा रहे हो, बहुत ज़बरदस्त। और आप देख सकते हो वो सामने मंदिर दिख रहा है, और वैसे जो इसकी पास्ट हिस्ट्री है, कहते हैं कि रानी रत्नावती जो मरी थी यहाँ पे उनकी आत्मा है यहाँ पे। अब मिथ है क्या है, कुछ लोग कहते हैं एक्चुअल है, आवाज़ आती है कुछ है, तो हम ऐसा कुछ नहीं आ सकते कि एग्जैक्ट वही चीज़ है या नहीं है, बट अगर कुछ है तो शायद हो भी सकता है। और बट यह क्या, उसके बाद कभी ये पैलेस में कभी कोई राज नहीं कर पाया, कोई राजा टिक नहीं पाया, ये तो एक्चुअल है कि जब रानी रत्नावती की डेथ हुई थी तो उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं रुक पाया। तो अभी हम ऐसे पहुँच गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो मंदिर भी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस हम आ गए अंदर इस वाले मंदिर में भी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंदिर परिसर में आने से अपने जूते बाहर उतारें, क्योंकि मैंने देखा था कुछ लोग ऐसे जूते चप्पल, और इवन स्कूल के स्टूडेंट्स भी, उनको पता होना चाहिए कि अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो जूते चप्पल बाहर उतरती हैं।
और ये इसका मेन गर्भ है, जहाँ पे सामने देख रहे हो वहाँ पे नीलम की मूर्तियाँ होती थी। गाइस देख रहे हो, मतलब इतनी अच्छी नक्काशी जो है आज के टाइम में मशीनों से भी इतनी फाइन नहीं होती जितनी पहले उस टाइम पे होती थी। देख रहे हो, और ऊपर की तो और भी ज़बरदस्त है, पूरा मार्बल है। तो अभी तो नहीं दिखा इतना अच्छा, अगर भी इसको रिपेयर किया जाए, मेंटेनेंस की जाए, तो और भी ज़्यादा निकल के बाहर आएगा, क्योंकि अभी डस्ट वगैरह बहुत कुछ जमा हुआ है, तो इतना फाइन दिख नहीं रहा। और वहाँ पे सामने वो तीसरा मंदिर, गाइस हम जा रहे हैं अब यहाँ से, और इसके बाद हम जाएंगे एक दूसरे हॉन्टेड प्लेस पे, वो भी यहीं पास में ही है, और वो है एक सस्पेंस। तो वीडियो के एंड तक रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ एक अनदर हॉन्टेड प्लेस, जो कि शायद ही बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे और बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो टू बी कंटिन्यूड। हेलो गाइस, और हम यहाँ पहुँच गए हैं अभानेर स्टेयरवेल, और इसको चांद बुआरे के नाम से भी जानते हैं। एंड ये एक स्टेयरवेल है जो कि बहुत पुराना बना हुआ है, एंड ऐसा कहते हैं कि ये भी एक हॉन्टेड प्लेस है। तो अब अंदर चलते हुए हम पहुंच गए, और बारिश आ रही है, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, और अभी मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ी तबीयत ख़राब है और बड़ा ही मस्त नज़ारा है, ऑसम एकदम। तो गाइज ये है अभानेर स्टेयरवेल, अनकाउंटेबल स्टेयर्स। वीडियो बना रहे हो? हाँ, क्या हुआ? तो गाइस हमें रोक दिया गया था कि आप वीडियो नहीं बनाओगे क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो इन्होंने बोला कि आपको पेड वीडियो बनानी पड़ेगी, तो अभी स्लिप कटवाई है उसकी बकायदा, अब हम इसकी वीडियो बनाएंगे। पता नहीं यार क्या क्या नए नए रूल निकाल देते हैं, बट लिव इट, मैं आपको दिखाता हूँ यार, अमेजिंग है, सो मच अमेजिंग। देखो गाइस, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना, अनकाउंटेबल है। मैंने गूगल पर सर्च किया था तो अप्रोक्स वो भी कंफर्म नहीं है कि इसमें कितने स्टेप्स हैं, अराउंड 35,000 वो कहते हैं कि इसमें स्टेप्स है। तो गाइस आप ये देख रहे हो जो चीज़ें और ये टुकड़े, मतलब जो पार्ट्स हैं मंदिर के, जो टूटे हुए हैं, जब मुग़लों ने इस पे, बगल में यहाँ पे एक मंदिर है पीछे, वो भी दिखाऊँगा, तो जब वो तोड़ा तो उसके अवशेष यहाँ बाद में रख दिए यहाँ पे लाके, सेफ एंड सेफली। अभी यहाँ की रिपेयरिंग चल रही है, तो वैसे जो लेबर लोग हैं वो नीचे गए हुए हैं, बाकी वैसे तो किसी को अलाउड है नहीं, बट मैंने ट्राई किया था कि ये अंदर जाने दें, दिया कुछ ले दे के भी नहीं, जो अपना इंडियन स्टाइल है। तो अब इसको यहीं से देखेंगे, मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और प्लस हॉन्टेड भी है। यहाँ पर भी यही है कि अगर आप जैसे सुबह सूर्य निकलता है उसके बाद आ सकते हो, और सूर्य अस्त होने से पहले ही ये खाली करा देते हैं, क्योंकि एज यूजुअल ये भी एक हॉन्टेड प्लेस है। बारात गायब हो गई थी पूरी, दूसरा है ऐसा मिथ है कि पूरी वन नाइट में बनाई गई है, अब ये नहीं पता जिन ने बनाई है, भूतों ने बनाई, क्या चीज़ है, और भी एक दो चीज़ें हैं। तो ये देख रहे हो गाइस, ये क्या मतलब बहुत ज़बरदस्त व्यू, और यहाँ पे अगर आप जो नीचे उतरोगे तो और ऊपर जब देखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है कि यार मैं आया कहाँ से था और जहाँ का आ रहा हूँ, मतलब यहीं से इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है। जब मैं नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर देख रहा हूँ तो बड़ा डिफरेंट ही लुक है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि लोग ये कहते हैं बारात जो गायब हुई थी, यार गायब कहाँ हुई होगी, कहाँ गई होगी। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर कमेंट्स लाइक प्लीज़ जल्दी जाके, और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अभी शुरू करने वाला हूँ उसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल।